रिकवर कर रहे हैं और इस तरह के सिम्टम अगर आपको आए, खासकर अगर आप देख रहे हैं नाक से ब्लैकिश कलर ब्लड कलर डिस्चार्ज आ रहा है, नाक में स्टफीनेस और पेन हो रहा है, आप तुरंत रिपोर्ट करिए डॉक्टर के पास। वो सीटी स्कैन या एमआरआई कराएंगे या नाक में एक स्वाब डाल के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको टेस्ट करके देखेंगे फंगस है कि नहीं। यानी ब्लैक फंगस के संक्रमण की शुरुआत नाक से होती है। कई मरीजों में ये साइनस के लक्षण के रूप में भी रहता है। इसके बाद ये संक्रमण आँख और दिमाग में भी पहुँच जाता है। कई बार मरीज की जान बचाने के लिए आंखों में फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए मरीज की आंखें निकालने तक की नौबत भी आ जाती। चाहे ब्लैक हो चाहे व्हाइट, हमारे सारा बेसिक सेम है कि हमारी इम्यूनिटी कम है तो तब ये स्प्रेड करेगा और वो टिश्यूज के माध्यम से स्प्रेड करेगा। पहले नाक के रस्ते साइनसिस के रस्ते और उसके बाद आंखों के रस्ते ब्रेन तक भी जा सकता है और नीचे मुंह की तरफ भी जा सकता है। एक आम आदमी के लिए, हम सबके लिए यही समझना जरूरी है कि हमें इम्यूनिटी नहीं गेन में देनी। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल